प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, राख बुधवार या चालीसे काल का नाम सुनते ही हम में से अधिकतर लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है, चेहरे में उदासी दिखाई देती है, क्योंकि ये एक ऐसा काल है जब कलीसिया हमें बताती है कि इस काल के दौरान कोई बड़ी पार्टियां ना करें, कोई शादी ना करें, मौज मस्ती कम करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। हमें लगता है कि दावत उड़ाए बिना, पार्टी किए बिना, डांस गाना बजाना ये सब किए बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता, लेकिन कलीसिया हमें सब रोकने के लिए नहीं कहती है, उसका थोड़ा सा विराम देने के लिए हमें कलीसिया निमंत्रण देती है, ताकि इन सभी चीज़ों को हम 40 दिन के लिए अलग रखकर प्रभु में थोड़ा लीन हो जाएं, प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ें। अक्सर मैंने देखा है, शायद आप सभी ने यह देखा होगा, कि राख बुधवार के दिन गिरजाघर लोगों से भर जाती है, इतनी भीड़ होती है उस दिन, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, खड़े रहने के लिए किसी किसी गिरजाघर में जगह नहीं होती, इतने सारे लोग आते हैं। क्यों आते हैं प्यारे भाई और बहनों? ये जो माथे पर हम राख लगाते हैं, वो राख हमें मुक्ति नहीं देती है। जो माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है, वो हमें हमारे पापों से मुक्ति नहीं देता, वो एक बाहरी चिन्ह मात्र है। लेकिन हम में से कई सारे लोग ये सोचते हैं कि राख बुधवार के दिन यदि हम माथे पर राख नहीं लगाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ये गलत है। इसलिए मैं चाहता हूं और मैं ये बात आप सभी से कहना चाहता हूं, यदि आप इतवार को मिसा नहीं जाते हैं, यदि आप परम प्रसाद या पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये राख आपको कहीं से भी किसी भी मात्रा में आपको नहीं बचा सकती। ये तो राख है, ये राख मुक्ति का चिन्ह नहीं है, ये राख हमारे शरीर का चिन्ह है, क्योंकि जिस तरह जो हम पुण्य हफ्ते में हम जब प्रवेश करते हैं, खजूर इतवार के दिन जो डालियां जलाकर जिसे राख बनती है, वो राख हम लगाते हैं, यानी कि उन खजूर की डालियों ने अपने अस्तित्व को खोया है, अपने शरीर को खोया है, वो राख बन गई है। इसी तरह जब हम राख बुधवार के दिन अपने माथे पर राख लगाते हैं, वो हमें यह बताता है, चाहे तुम अमीर हो गरीब हो, चाहे तुम सुंदर हो गोरे हो काले हो, राख बनोगे, मिट्टी में मिल जाओगे। ये एक प्रतीक है, आज मैं जिंदा हूं, यदि आज मैं अपने माथे पर राख का क्रूस लगाता हूं तो ये मुझे दिखाई देता है, मैं देख सकता हूं, दूसरों के माथे पर मैं राख देख सकता हूं कि उन्होंने अपने माथे पर राख लगाया, ये उनकी असलियत है एक दिन, ये मेरी असलियत है एक दिन। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि राख बुधवार के दिन चर्च जाना है, राख लगानी है, और कुछ लोग राख घर ले जाते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपको लगता है कि परम प्रसाद से ज्यादा राख में शक्ति है, पवित्र मिसा बलिदान की प्रार्थना से ज्यादा उस राख में शक्ति है? नहीं है। उस राख को हम लगाते हैं, घर जाके साफ करेंगे, काम पे जाएंगे, धुल जाएगा, मिट जाएगा, मिटा देंगे। और ये लोग, हम में से कई सारे लोग राख बुधवार के दिन चर्च में आएंगे, उसके बाद गायब, उसके बाद दिखाई देंगे पुण्य शुक्रवार के दिन। किस प्रकार के ईसाई है हम, किस प्रकार के प्रभु के अनुयायी हैं हम? राख बुधवार के दिन राख लगाकर फिर हम आ जाते हैं प्रभु को क्रूसित करने के लिए,
प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु ने शुरू से लेकर आखिरी तक मरते दम तक लोगों को चंगा किया, पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाया, माफ करने के लिए कहा, प्रार्थना करने के लिए कहा, दूसरों की भलाई करने के लिए कहा, प्रार्थना, उपवास और अपनी ओर से जितना हो सके त्यागने के लिए प्रभु ने कहा। और ऐसे प्रभु को उस समय के फरीसी शास्त्री और जनता ने क्या किया, शुक्रवार के दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस के सामने उन्होंने आवाज उठाई, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। और बाइबल हमें स्पष्ट कहती कि इतनी भीड़ थी वहां पर और सभी के सब क्रूस दे दो कहकर पुकार रहे थे। और हम भी, हम में से अधिकतर लोग राख बुधवार के दिन राख लगाकर शुक्रवार के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन ही हम चर्च आएंगे और कहेंगे इन्हें क्रूस दो, क्रूस दो। यही है हमारी मानसिकता। हम बाहरी चिन्ह को देखकर सोचते हैं कि ये हमें बचाएगा। इसलिए प्रभु ने स्पष्ट कहा ये एक विधर्मी पीढ़ी है, इस पीढ़ी को योना के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हर समय लोग चिन्ह मांगते थे, फरीसी लोग पूछते थे ये करने के लिए आप हमें ऐसा कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपका विश्वास चमत्कार या चिन्ह पर निर्भर है, वो विश्वास नहीं है, वो दिखावा है। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु में व्यक्तिगत रूप से, जो हम सभी के लिए मनुष्य बने, यदि उसमें आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपका विश्वास व्यर्थ है। इसलिए हम अविश्वासी नहीं बने। आप जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब हम अविश्वासी बनते हैं, और अक्सर हम अविश्वासी तब बनते हैं जब हमारे जीवन की परिस्थितियां कुछ अलग होती, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस बहुत खराब होते हैं, और ऐसी स्थिति में हम अविश्वासी बनते हैं। और अविश्वासी बनते ही हमारी जो समस्याएं, हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे और ईश्वर के बीच में आ जाती हैं। द सर्कमस्टांसेस कम बिटवीन यू एंड गॉड, बिटवीन मी एंड गॉड, हमारे बीच में, ईश्वर और मेरे संबंध के बीच में वो परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, इसलिए हम और भी अविश्वासी बनते हैं। लेकिन यदि आप विश्वासी बनते हैं तो प्रभु ईश्वर हमारे और हमारे परिस्थितियों के बीच में खड़े रहते हैं। ये आप पर निर्भर है प्यारे भाई और बहनों, कि आप किसको अपने जीवन की परिस्थितियों में खड़ा रखना चाहते हैं। सिर्फ अपने जीवन की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों को आपके और ईश्वर के बीच में खड़ा करना चाहते हैं, या फिर ईश्वर को आप आपकी परिस्थिति और ईश्वर के बीच में खड़ा रखना चाहते हैं। अवश्य आप कहेंगे कि हम ईश्वर को, क्योंकि जब ईश्वर हमारे बीच में रहता है तो हमारी कोई समस्या नहीं है। इसलिए प्रभु कहते डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अक्सर मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो सिर्फ राख बुधवार को चर्च आते हैं और उसके बाद पुण्य शुक्रवार को आते हैं, बीच में इतवार को नहीं आते हैं, छोटे छोटे कारण देते हैं, नहीं आते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राख छोड़कर नहीं गए। प्रभु यीशु क्रूस पर मरते समय या अंतिम भोजन के समय प्रभु ने नहीं कहा ये मेरी राख है, इसे अपने माथे पे लगाओ, नहीं। प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर है, इसे खाओ, ये मेरा लहू है, इसे पियो, ये तुम लोगों के लिए तोड़ा जा रहा है, तुम लोगों के लिए जलाया नहीं जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के शरीर को यदि हमें ग्रहण करना है, हर एक मिसा बलिदान में हमें, हर इतवार को हमें मिसा बलिदान में भाग लेना है। प्रभु यीशु का शरीर, प्रभु यीशु का रक्त, इतवार का मिसा का बलिदान, वो मिसा बलिदान सबसे बड़ी पूजा है, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। पाप स्वीकार संस्कार में जाने से हमें मुक्ति मिलेगी, हमारे पापों की क्षमा मिलेगी, ना कि सिर्फ माथे पर राख गाने से। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आप सभी से निवेदन है, जिस प्रभु ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, इस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, क्या उसके लिए हम इतवार को एक घंटा नहीं दे सकते हैं, पवित्र मिसा बलिदान में भाग नहीं ले सकते, आराधना में भाग नहीं ले सकते? खजूर इतवार के दिन जो डालियां दी जाती हैं उसको क्रूस बनाकर हम अपने घरों में टांग देते हैं, उस क्रूस पर, उस खजूर की डाली की क्रूस पर प्रभु नहीं मरा। हमें उस क्रूस नहीं बनाना चाहिए, उससे हमारे लिए वही क्रूस है जिस पर प्रभु यीशु मरे। इसलिए हम जिस चाहे उसे हम क्रूस बना के टांग देते हैं, रख देते हैं, नहीं। प्यारे भाई और बहनों,
अक्सर हम यही करते हैं, खजूर इतवार के दिन जैसे हमें क्रूस डालियां मिलती हैं, हम क्रूस बनाते हैं, जबकि प्रभु यीशु पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूस पर मरे थे। हमें सोचना है हम क्या कर रहे हैं, कहीं देखा कुछ कर रहे हैं वो हमने कर दिया। नहीं प्यारे भाई और बहनों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप राग बुधवार के दिन मिसा नहीं आइए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हर एक इतवार का मिसा, रोजाना मिसा आप शायद आ नहीं पाएंगे, आपके पास काम में जिम्मेदारियां, समझ सकते हम, लेकिन इतवार के दिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आप आ नहीं सकते, आप प्रभु के पास जाइए और प्रभु आपको संभालेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक अच्छी बात कही है और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्रिस्तीय बनना आसान है, क्रिस्तीय बनना उतना ही आसान है जितना कि मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखने के बराबर है। आप हाथ में मुट्ठी में मिट्टी लीजिए और मिट्टी पर ही आप मिट्टी लिखिए, लिख सकते हैं, आसान है। क्रिस्तीय बनना इतना ही आसान है, लेकिन क्रिस्तीय जीवन जीना, क्रिस्त के समान जीवन जीना उतना ही मुश्किल है जितना कि पानी पर पानी से पानी लिखना। क्रिस्तीय जीवन जीने का उतना ही मुश्किल है जितना कि पानी से पानी पर पानी लिखना। इसलिए हमारा जीवन, प्रभु ने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित किया, भले हम शायद दूसरों को समर्पित नहीं करते हों, लेकिन कम से कम प्रभु को समर्पित करें। तो इस साल का चालीसे का काल, राक बुधवार से लेकर पुण्य शुक्रवार और ईस्टर तक हमारा ये जो जीवन है, त्याग का जीवन है, इसमें हम प्रभु को पाएं, प्रभु को अपनाएं। इसलिए मैं आपके सामने नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यह कहता है, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व नहीं करें, बलवान अपने बल पर दंभ नहीं करें, और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड ना करें। कम से कम इस चालीसे के काल में हम अपने आप पर घमंड नहीं करें, बल्कि हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। और एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा, नबी इजाइस की ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 में लिखा है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, यह प्रभु की वाणी है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हम प्रभु की वाणी सुने, प्रभु की वाणी को अपने हृदय में उतारें, प्रभु की इन शब्दों को अपने माथे पर लगाएं, ना कि सिर्फ राख को लगाएं। फिर मैं कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, हमें मुक्ति राख ने नहीं दी, प्रभु यीशु के शरीर और रक्त से हमें मुक्ति मिली है, प्रभु यीशु के जीवंत वचनों से हमें मुक्ति मिली है। तो इसलिए हम इस चालीसे के काल को आनंद से मनाएं, प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु के करीब जाएं, हर एक दिन अपने परिवारों में परिवार के साथ मिलकर प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करें। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख है जो प्रभु के दुख से बड़ा है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हमारे बीच में खड़े रहें, इसलिए अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। आप सभी को चालीसे के काल की मैं शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि यह चालीसे का काल हम सभी के जीवन में मुक्ति, आनंद और पश्चाताप लाए। आप सभी को जय यीशु।